अतरी ब्रेकिंग न्यूज साबे वराजे सूरत तरफ थी सूरत में डिस्टाफ द्वारा वॉचमैन ने मार मारवानो मामलो सामे आव्यो छे। वराछा पुलिस दा डिस्टाफे वॉचमैन ने मार मारता तेनुं मौत निपजू होवानो मामलो सामे आव्यो छे। समग्र मामलानी तपास एसीपी ने सौंपवामां आवी छे। डायमंड फेक्टरीना वॉचमैन पर प्रोहिबिशनो केस करायो हतो। जामीन पर छूट्या बाद मोबाइल अने पाकिट लेवा गयो हतो त्यारे डिस्टाफे तेमने मार मारता माथानी नस फाटी गई हती। त्यारबाद वॉचमैन ने माथानी नस फाटी जता ब्रेन हेमरेज थयुं हतुं। वॉचमैन शिवसिंह कुंवरसिंह ने सारवार दरमियान तेमनुं मौत निपजू छे। वॉचमैनना भत्रीजाए पोलीस कमिश्नर ने आ अंगे फरियाद करी छे अने तेमने न्याय मळे तेवी वात करवामां आवी छे। डिस्टाफ द्वारा वॉचमैन ने मार मारवामां आवता वॉचमैननुं मृत्यु निपजू छे। डायमंड फेक्टरीना वॉचमैन प्रोहिबिशनना केस तेमनी उपर करवामां आव्यो हतो। त्यारबाद जामीन पर छूट्या हता अने मोबाइल अने पाकिट लेवा माटे ज्यारे आ वॉचमैन पोलीस स्टेशन पहोंच्या हता त्यारे डिस्टाफ द्वारा तेमने मार मारता माथानी नस फाटी गई हती। बात करीए आ अंगे ज माहिती माटे संजय महंत आपणी साथे जोड़ी गया छे। संजय, वधु एक वक्त आ प्रकारनो किस्सो सामे आव्यो छे, पोलीसना मारथी एक व्यक्तिनुं मौत निपजू छे, केवो माहोल सूरतनो, तेना परिवारजनोनुं शुं कहेवुं छे आ अंगे? सूरत पुलिस फरी एक बार विवाद में आई है त्यारे हीरा फेक्टरी में वॉचमैन नु काम कर रहेला व्यक्ति ने गंभीर मार मारवामां आव्यो हतो। प्रोहिबिशन गुना में तेनी धरपकड़ करवामां आवी हती। त्यारबाद तेओ पोतानो मोबाइल अने पाकिट लेवा माटे फरी पोलीस स्टेशन गया हता अने डिस्टाफ द्वारा तेमने ढोर मार मारवामां आव्यो हतो अने मार मारता तेओने ब्रेन हेमरेज थयुं अने त्यारबाद सारवार दरमियान तेओनुं मौत निपज्यू छे। त्यारे परिवार में आक्रोश छे, स्वाभाविक छे, कारण के तेमणे पोतानी व्यक्ति गुमावी छे अने आ प्रकारे जो पोलीस दुर्व्यवहार करती होय, अत्याचार करती होय तो तेनी सामे कई कामगीरी करवी ए पण एक प्रश्न उपस्थित थयो छे। परिवारनुं शुं कहेवुं छे जाणवानी कोशिश करीशुं। अपना नाम बताइए। हरेन्द्र सिंह तोमर। बताइए क्या हुआ था, क्या वाक्य हुआ था, इनको पुलिस क्यों लेके गई थी, फिर क्यों मारा था? मैं तो सर बाहर था, मेरे को पता लगा, बोले कि ऐसे ऐसे पुलिस पकड़ के ले गई दारू के केस में और मारा है और ब्रेन हेमरेज हुआ है। मैं कल ही पहुंचा खंडवा से और आज सुबह खत्म हो गया। क्या डिमांड है आपकी, पुलिस ने मारा है, मौत हुई है, क्या करना चाहिए? तो भाई न्याय चाहिए, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, दोषी है, उन धारा 302 लगनी चाहिए और सस्पेंड करना चाहिए जो भी हो। पुलिस ने क्या बताया आपको, पुलिस आपने कंप्लेन की है पुलिस कमिश्नर को, क्या जवाब मिला? वो जांच का बोल रहे, वही जांच चल रही है, वो कब तक चलेगी जांच? जिनकी मौत हुई है उनका लड़का क्या काम कर रहा है? आर्मी में है सर, बॉर्डर पे है जम्मू में और वो अभी गांव पहुंचा है, यहाँ आ रहा था लेकिन हमने मना बोल दिया, भाई खत्म ही होगा तो अब हम यहाँ से निकलेंगे और वो वहाँ से आए तो यहाँ पहुँचता ही नहीं। वो पुलिस ने मारा है, पुलिस की मार से मौत हुई जैसा आप बता रहे हो, तो क्या अभी अपेक्षा है, किस तरह से न्याय की आप डिमांड कर रहे हो? हमको तो दोषियों को सजा हो यही चाहते हैं हम, जो दोषी हैं उसमें। भाई दारू का केस बना लेकिन मारने का अधिकार थोड़ी किसी को इस तरीके से। प्रोहिबिशन नो केस थयो हतो अने त्यारबाद जामीन पर तेओ छूट्या हता, जामीन पर छूट्या बाद तेमनो मोबाइल पाकिट जे पोलीसे कब्जे करी हतुं ए लेवा माटे तेओ पोलीस स्टेशन गया हता अने पोलीस स्टेशन गया बाद डिस्टाफ द्वारा तेमने ढोर मार माड्यो होवानो आरोप लगावामां आवी रह्यो छे। मात्र आरोप ज नहीं परंतु तेमने होस्पिटल दाखल कर्यां, तेमनुं मृत्यु थयुं छे, एटले स्वाभाविक छे के एमना आरोपमां तथ्य छे अने पोलीस कमिश्नर आ मुद्दे योग्य कामगीरी करे, योग्य तपास थाय, दोषितो सामे हत्यानो गुनो दाखल थाय ए प्रकारनी मांगणी हाल परिवारजनो करी रह्या छे। चक्कस संजय जोड़ा बदल अने माहिती बदल आपनो आभार। तो बात करिए सूरत में डिस्टाफना मारथी वॉचमैननुं मृत्यु थवानुं बनाव सामे आव्यो छे।